लगातार 44 दिन से धरने प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रही थी भावना मैडम, भावना इनकी एक भावना थी कि हम इस भावना के तहत हम इस मुकाम को जीतेंगे। हमारे बीच में आइए हम जानकारी लेते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने में इन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि एक वो राजनीति मसला तो नहीं है या इनकी बातों को माना जाएगा। भावना जी, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी आप बोल के गए हैं कि भाई इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम की उन्होंने बाउंडेशन नहीं बताया कितना टाइम लगेगा, तो ये आप क्या मानती हैं इसे? सर देखिए, हम अभी उन्होंने कहा है कि आप अपना लेटर कि आप ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आपको अपना डिमांड लेटर दे देंगे। सर पहले तो हम उसे देखेंगे, हमने 44 दिन बहुत संघर्ष किया है और हमारी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम इसमें खुश तो हम बहुत हैं, लेकिन इस खुशी में हम अपना जोश में होश नहीं खोएंगे। पहले हम उस लेटर को ठीक से पढ़ेंगे, उसकी पूरी देखेंगे कि हमारे को क्या मिल रहा है, उसमें कोई गलती ना रह जाए, हमारी कोई मांग ऐसी जो छूट ना जाए, उसको देखने के लिए हम पूरे तत्पर हैं। उसको देखने के बाद ही हम अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, और हम उसमें एक्सपेक्टेड टाइम जरूर चाहेंगे कि हमें इतना टाइम चाहिए है उतने में हमारा काम पूरा हो जाए। मैडम, जैसे कि आप यहाँ लगातार 44 दिन से थी, या ये 44 दिन के बारे में इन्होंने कुछ बताया? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि 44 दिन में हम आपकी जो CL जितनी छुट्टियाँ हैं उसको एडजस्ट कर देंगे सैलरी के लिए। मतलब उसकी पेमेंट नहीं देंगे? हाँ नहीं, उसकी पेमेंट नहीं, नो वर्क नो पे, उसमें हमारी CL जो हमारे पास होती है उसको एडजस्ट कर देंगे, जिसके पास छुट्टियाँ हैं उसकी पैसे कटने से बच जाएंगे, तो उसको सैलरी मिल जाएगी और बाकी की कटेगी। भावना जी, क्या कारण हुआ कि जब आप लगातार डॉक्टर्स और आप NHM जो स्ट्राइक कर रहे थे, आपके बीच में से डॉक्टर छोड़ के चले गए, इसका क्या कारण रहा? सर मालूम नहीं, लेकिन पता नहीं है, हो सकता है किसी को कुछ थोड़ा उनको लग रहा था कि शायद हमें जितना मिल रहा है हम उसमें संतुष्ट होकर इस लड़ाई का कोई कहीं पर ये पहुंचेगी नहीं, ये अपनी लड़ाई वो सिर्फ अपनी लड़ाई उन्होंने बस दूसरों के कंधों पर रखकर ऊपर उड़ने की चाह रखी थी, जो कि वो नहीं कर पाए। आखिर में उनको भी पता चल गया कि जब तक ये स्ट्राइक नहीं टूटेगी तब तक किसी को भी उनका हक नहीं मिलेगा। लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला कि हमने डॉक्टरों को भी कहीं वंचित नहीं रखा गया है, और आपकी इतनी स्ट्रेंथ देखकर उनको भी फायदा मिला? नहीं, ये तो बिल्कुल है, लेकिन अगर सरकार को फायदा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आम जनता जो है उससे वो वंचित रह जाएगी। हम पूरी अपनी पूरी कोशिश में है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं दे देंगे। अभी आप और बैठेंगे या मतलब क्या? 4 बजे इन्होंने हमें बुलाया है सचिवालय, वहाँ पर जाकर हम देखते हैं हमें लिखित में क्या आश्वासन है।